बने रही हैं, जिससे भी आपको इसका पता लग जाएगा कि फोर स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है और उसके कौन कौन से फोर स्ट्रोक होते हैं और कैसे काम चलता है, तो इंजन का कैसे वर्किंग प्रोसेस होता है और वो पूरा साइकिल कैसे काम करता है, उस साइकिल के बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हमारा डीजल इंजन होता है तो उसके अंदर फोर स्ट्रोक जो होते हैं वो फोर स्ट्रोक के बारे में मैं बताता हूँ। पहला जो स्ट्रोक होता है वो स्ट्रोक होता है हमारा सक्शन स्ट्रोक। अब जो सक्शन स्ट्रोक होता है वो क्या करता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सक्शन स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, पूरा हमारा इंजन सिस्टम होता है। पिस्टन है ना टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है सक्शन स्ट्रोक के अंदर, तो क्या करता है कि एयर को अपने अंदर खींचता है, एयर को अपने अंदर खींचता है। तो वो क्या करता है, एयर हमारी एयर फिल्टर के द्वारा आगे हमारे इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा पोर्ट होती है, जो इनलेट मैनिफोल्ड के वाल्व होते हैं उनके द्वारा होते हुए हमारे सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर चली जाती है, जो पिस्टन का टॉप डेड सेंटर होता है। जहाँ पे हमारे पिस्टन ऊपर का एरिया होता है वहाँ पे हमारा वॉल्यूम भर जाता है एयर का। उसको जैसे ही वो भर जाने के कारण उसके अंदर जो प्रक्रिया होती है वो होती है सक्शन प्रक्रिया। उस स्ट्रोक को हम पहला स्ट्रोक बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के अंदर हवा को खींचा जाता है पिस्टन के अंदर और पूरा वॉल्यूम के अंदर भर जाता है, जो सिलेंडर होता है उसके अंदर हवा पूरी भर जाती है। ये होता है हमारा पहला स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक। अगर इस सक्शन स्ट्रोक के अंदर एयर कैसे लीकेज हो जाएगी या एयर नहीं जाएगी या एयर में पानी चला जाएगा या कुछ हो जाएगा तो वहाँ पे इंजन हमारा प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगा और इंजन में दिक्कत आएगी। तो ये सक्शन स्ट्रोक इम्पोर्टेंट होता है। अगर सक्शन स्ट्रोक में कहीं से भी कोई भी लीकेजिंग का प्रॉब्लम आया या हवा कहीं से क्लोज हो गई तो इंजन में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा स्ट्रोक होता है वो होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। अब होता क्या है दोस्तों, जब हमारा ऊपर हेड लगा हुआ होता है, नीचे हमारा बीच में ब्लॉक होता है, नीचे ऑयल सम्प होता है, तो जब हमारा पिस्टन जो हवा होती है उससे वो कंप्रेस करता है, उसे उस स्ट्रोक को बोलते हैं हम कंप्रेशन स्ट्रोक। उस कंडीशन में हमारे एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों वाल क्लोज होता है, कोई भी वाल लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी वाल अगर खुला है तो क्या होगा कि जो हम उस कंप्रेस कर रहे हैं हवा को, कंप्रेस करने का कारण ये है कि उसको हम दबाते हैं, दबाने से जो हमारे फ्यूल को हम डालते हैं तो वो पावर जनरेट होती है। पावर जनरेट कैसे होती है, अभी मैं आपको कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में बता रहा हूँ कंप्रेशन स्ट्रोक कैसे काम करता है। तो होता क्या है, जब हम नीचे से हमारे ऊपर के वाल सारे बंद है और नीचे भी पूरा क्लोज है, तो जब हमारा पिस्टन ऊपर की साइड आता है तो जो हवा हमारे वॉल्यूम जो अंदर गई हुई थी सक्शन स्ट्रोक के अंदर, वो हवा को हम बिल्कुल दबा लेते हैं। जब उसे दबा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेशर के साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जैसे पिस्टन पीडीसी पे पहुंचने वाला होता है तो उस कंडीशन में हम उस पे फ्यूल होता है, जो हमारे इंजेक्टर्स लगे हैं जो फ्यूल यानी कि नोजल, पंप नोजल भी बोलते थे पहले, अब जो इंजेक्टर्स आते हैं वो इंजेक्टर वहां पे स्प्रे करता है। जब इंजेक्टर वहां पे स्प्रे करता है तो वहां पे क्या होता है, ब्लास्टिंग हो जाती है, यानी कि वहां आग लग जाती है फ्यूल और एयर के अंदर। जब फ्यूल और एयर के अंदर आग लगती है तो क्या होता है, पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की तरफ वापसी ट्रेवल करता है। उस स्ट्रोक को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक आता है हमारा फ्यूल के द्वारा। अगर फ्यूल हमारा इंजेक्टर प्रॉपर काम नहीं करेगा या वो फ्यूल के अंदर कुछ मिक्सिंग होगी तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा या मिसिंग करेगा, पिकअप नहीं लेगा, इंजन स्टार्ट के बंद हो जाएगा, ये कारण बन जाएंगे। तो वो स्ट्रोक हमारा होता है पावर स्ट्रोक।
पावर स्टोव के अंदर आपके सारे बाल क्लोज हो चाहिए। अगर कोई सा बाल अगर आपका लीकेज है तो जो हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं कंप्रेस नहीं हो पाएगी और वो लीकेज हो जाएगा, तो वहां पे हम ड्यूल का स्प्रे कराएंगे। सब सुंदर हमारा स्टार्ट नहीं होगा तो क्या होगा, या तो आपका वाल लीकेज होते हैं या आपका हेड गैस्केट लीकेज होता है। तो ये भी एक कारण है आपको अगर कंप्रेस स्ट्रोक में कोई प्रॉब्लम आ रही है। चौथा स्ट्रोक आता है हमारा, उस स्ट्रोक को हम कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट जैसे ही हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी के पास पहुंचने वाला होता है, जब बीडीसी पहुंचने ही वाला होता है तो हमारा जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है उसके एग्जॉस्ट के वाल ओपन, जब एग्जॉस्ट के वाल ओपन हो जाते हैं तो वाल क्या होता है कि वहां से जो हमारा प्रेशर पड़ा, जो आग लगी तो उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है। वो जो एग्जॉस्ट वाल होते हैं उनके द्वारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। प्रेशर रिलीज होकर जो जली हुई गैस है वो वापसी निकलना चालू हो जाता है। तो वो पिस्टन हमारा वापसी जब ऊपर की साइड आता है टीडीसी की, बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है सक्शन आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, तो वो पूरी जितनी जली हुई गैस होती है वो गैस हमारी सारी साइलेंसर के द्वारा कैटलिटिक कन्वर्टर से होती हुई इनलेट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होती हुई हमारे साइलेंसर से हमारी पूरी गैस बाहर निकल जाती है। तो ये हमारे चार स्ट्रोक होते हैं डीजल कार के अंदर आपका। फिर उसके बाद में दोबारा से जैसे पिस्टन हमारा टीडीसी में पहुंचता है, जब वापसी नीचे चलता है तो सक्शन स्ट्रोक के वाल खुल जाते हैं और फिर वापसी हमारे सक्शन में फ्रेश एयर अंदर एंट्री कर जाते हैं। तो ये हमारे चार स्ट्रोक होते हैं डीजल कार के अंदर उसको चलाने के लिए। अगर इन चारों स्ट्रोक के अंदर कोई भी स्ट्रोक के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि एग्जॉस्ट वाल प्रॉपर नहीं खुल रहे हैं तो भी आपका इंजन प्रॉपर नहीं चलेगा, इनलेट वाल आपका अगर नहीं खुल रहा है तो भी इंजन आपका प्रॉपर नहीं चलेगा, और अगर आपका कोई वाल ओपन रह जाता है या वो खुला रह जाता है तो कंप्रेसर के अंदर तो भी आपका पावर जनरेट नहीं होगी। अगर आपका पावर स्ट्रोक के अंदर फ्यूल आपका इंजेक्टर से सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो इंजन आपका प्रॉपर नहीं काम करेगा। तो ये चार स्ट्रोक इंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ही स्ट्रोकों पर हमारा